5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर यूएस का बॉस अगला कौन बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस उम्मीदवार हैं। देखना होगा वहां पर जो 50 राज्य में 538 इलेक्टोरल वोट हैं और 270 का जादुई आंकड़ा है, 270 का इलेक्टोरल वोट किसे हासिल होता है और जिसे 270 का इलेक्टोरल वोट हासिल होगा वही अगला राष्ट्रपति बनेगा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप कौन बनते हैं या कमला हैरिस बनते हैं, इस पर नज़रें टिकी हुई हैं और नज़रें इसलिए भी क्योंकि विदेश नीति पर काफ़ी असर पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो बहुत कुछ विदेश नीति में, बहुत देशों के लिहाज से उनके नज़रिए में बदलाव आएगा, अमेरिका के नज़रिए में। कमला हैरिस की नीति कुछ और है, दोनों पार्टियों की नीति अलग अलग है, क्योंकि जो बाइडेन अब तक राष्ट्रपति रहे और उनके साथ कमला हैरिस रही हैं, तो कमला हैरिस अगर बनती हैं तो जो अभी तक नीति जो बाइडेन की चल रही है वही नीति चलेगी। लेकिन इसमें भारत और तमाम देशों की नज़र तो है ही, पाकिस्तान की भी नज़र है। सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो इमरान खान जेल से रिहा होंगे, जो अडियाला जेल में इस वक्त बंद है, तमाम मुकदमे उन पर चल रहे हैं 2022 से ही। ये इसलिए भी वहाँ पर चर्चा का विषय पाकिस्तान में बना हुआ है क्योंकि 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान थे, तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान व्हाइट हाउस गए थे 2019 में, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी और मुलाकात की तस्वीरें बहुत छाई हुई थी, चर्चा का विषय भी बनी थी क्योंकि बहुत कूल दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीर हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में इमरान खान को मेरा अच्छा दोस्त भी कहा था। तो अब ये लोग पूछ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिलती है तो क्या वो मेरा अच्छा दोस्त जिसे इमरान खान को उन्होंने बताया था, जिसे इमरान खान को उसे जेल से रिहा करवाएंगे। इसे लेकर हालांकि अलग अलग राय है। तहरीक इंसाफ जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो इमरान खान जेल से रिहा होंगे, पाकिस्तान में भी कुछ असर होगा या सत्ता भी बदल सकती है, अमेरिका का चूंकि दखल रहा है। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा है, लेकिन अमेरिका का अपना इंटरेस्ट भी रहा है। अमेरिका अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार भी देता है बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था तो पाकिस्तान को बगैर जानकारी दिए अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। तो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते में उतार चढ़ाव के दौर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कुछ खास असर नहीं होगा। इमरान खान उस समय ज़रूर PM थे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मेरा अच्छा दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बनते हैं तो इमरान खान के लिए वो कुछ खास करेंगे या PTI के लिए कुछ खास करेंगे या पाकिस्तान की सत्ता में कुछ खास असर होगा। फिलहाल चर्चा का बाजार गर्म है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पाकिस्तान में भी। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।